हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद प्रजापति। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ वाइज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे वीर्य बढ़ाने वाली दवाइयों के बारे में। दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम क्या होता है, जो पुरुषों के अंदर सीमन होता है या वीर होता है वो पतला हो जाता है, या उसके अंदर जो स्पर्म काउंट होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस बीमारी को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? तो दोस्तों, ये ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसके अंदर लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है, और पुरुषों के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है वो 15 मिलियन से अगर कम हो जाता है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और जो वीर्य या सीमेन होता है वो काफी पतला हो जाता है, या फिर उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं उसकी काफी ज्यादा मात्रा जो होती है कम हो जाती है, जिसको वीर्य की कमी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप सैंपल देख रहे हैं, जो सीमेन होता है वो प्रॉपर गाढ़ा होना चाहिए, पर कई बार वो पतला हो जाता है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि कई बार जो सीमेन होता है वो पानी की तरह जो है पतला हो जाता है, या वीर्य पतला हो जाता है। तो उसको गाढ़ा बनाने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल काउंट स्पर्म काउंट होता है वो 15 मिलियन होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब माइक्रोस्कोप के अंदर सीमेन की एनालिसिस की जाती है तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि 15 मिलियन स्पर्म जो है वो 1 ml में प्रेजेंट है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया जब कहा जाएगा, जब स्पर्म काउंट जो है वो 1 से लेकर 45 मिलियन प्रति ml में होगा, तब उसको माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहा जाएगा, या उससे भी ज़्यादा जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है तो उसको हम मॉडरेट कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में जो है स्पर्म काउंट 1 से 5 मिलियन होता है पर ml के अंदर, जिसको सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें जो है स्पर्म काउंट जो है 1 मिलियन से भी कम होता है। तो उसमें होता क्या है, आप एक सीमेन एनालिसिस देखिए, फिगर में आप देखिए, जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन है या फिर उससे ज़्यादा है प्रति ml में, और जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है वो 40% हो या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और जो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी है आपके रिपोर्ट के अंदर वो जो है 32% हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तब उसे हम नॉर्मल मानते हैं, और यह वैल्यू जब कम होती जाती है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो है वो भी अच्छा होना जरूरी है, और स्पर्म की मोर्टिलिटी जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो पहला वाला स्पर्म है वो नॉर्मल है, जो आपको सीधा एकदम दिख रहा है वो नॉर्मल है, और इसके कंपेयर में जो इसके बगल वाला जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है, और जो मोर्टिलिटी होती है या प्रोग्रेशन होता है वो प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और आप उसके बगल में देखिए, जो एबनॉर्मल मोर्टिलिटी देखने को मिलती है, अब समझ लेते हैं कि इन सब बीमारियों के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन सब बीमारी के होने के जो कारण, जैसे जेनेटिक्स भी हो सकता है और इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी हो सकता है, हार्मोन के स्पेशलिटी और टेस्टोस्टेरोन के कारण आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, और कई बार गर्मी से या कुछ दवाइयां जो है असर करती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा यूज करने से मेटाडोन के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, और नाइट्रोफिरोंटोइन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लैमोट्रिजिन क्लोमीप्राजिन के कारण भी ये समस्या हो सकती है, पेरोक्सिटिन एंड प्रेडनिसोन के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो जितनी दवाइयाँ मैं बताया हूँ उसका रेगुलर इस्तेमाल के कारण आपके जो है स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजन हैं, जैसे कोई मान लीजिए स्मोकिंग करता हो, या फिर टोबैको का सेवन करता हो, या तंबाकू का सेवन करता हो, पीता हो, या ड्रग का सेवन करता हो, तब भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपकी स्पर्म जो है वो उसकी स्पर्म की काउंट जो है वो कम हो सकती है। यही सब फैक्टर जो है कंबाइन होगी जो है रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ओलिगोस्पर्मिया के लिए, जो स्पेशल लॉस ऑफ सीमेन या स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को खराब करते हैं। उसके लिए क्या इलाज है वो जान लेते हैं। तो सभी मेडिसिन सिस्टम में इसका इलाज दिया गया है, जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड एलोपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज जो है अच्छे से हो जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ दवाइयों के बारे में, जिससे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है।
आयुर्वेदिक के अंदर अगर हम देखें तो ये अश्वगंधा जो है वो अच्छा ऑप्शन है, सतावरी है एंड गोक्षुरा है, फिर मूसली है, कपिकक्ष है एंड अमलाकी है, तो ये सब जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसके फार्मूलेशन वाले जो है बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि जो है हिमालय का स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन टैबलेट आता है, दूसरा ऑप्शन है हिमालय का गोक्षुरा, और तीसरा ऑप्शन है आप जो है टेंटेक्स फोर्ट का यूज कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है जो हिमालय का वो है कॉन्फिडो टैबलेट, तो ये सब दवा आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन सब में कोई दवा ले तो एक ही दवा आपको यूज करना है। इसके अलावा आप बैद्यनाथ का वीर्य शोधन बटी आप यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है बैद्यनाथ का वो है शुक्र मातृका वटी, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मूसली पाक भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है शिलाजीत जो डाबर का आता है वो जो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स उसका भी है। पतंजलि का आप मूसली पाक यूज कर सकते हैं, या फिर पतंजलि का जो है शिलाजीत रसायन बट्टी यूज कर सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक में देखें तो आप स्टर्निल एम यूज कर सकते हैं, और अगर यूनानी दवा में हम देखें तो आप यूनानी का एक प्रोडक्ट जो है हमदर्द का लाबु काविर आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमदर्द की माजून सुपारी पाक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कि एलोपैथिक मेडिसिन में कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसके बारे में। यहाँ पर एक फर्टिसुरा एम प्रोडक्ट करके देख रहे होंगे, तो इसके अंदर अगर एक कंटेंट देखें तो इसके अंदर जो है को एंजाइम क्यूटेन करके एक इंग्रेडिएंट है, और एल कैरेटीन है, जिंक है एंड लाइकोपेन है और एक्सटेंथिन है, तो ये सब इंग्रेडिएंट जो है मिलके आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, या स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं, और वीर्य को गाढ़ा बनाने में मदद करते हैं। डीएफ रे करके एक दवाई आती है जो इसके इंग्रेडिएंट है, वो पहली दवाई जो बताएं उससे ही सेम मिलता जुलता इंग्रेडिएंट है, जो ये दवाई भी जो है आपके लिए यूजफुल है। और तीसरा ऑप्शन है माइक क्यूटेन करके एक पाउडर आता है जो 10 ग्राम का सेचेट होता है, इसको आपको पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको ग्लूकोज की तरह पीना रहता है। और अगर इन सबसे अगर ठीक नहीं होता है तो एक आखिरी ऑप्शन है, एक क्लोमीफेना सिट्रेट करके एक दवाई आती है, ये इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।